लॉकडाउन 4 में दिल्ली सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को खोल दिया है। औद्योगिक इकाइयों के बाहर कुछ चहल पहल तो नजर आ रही है। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के उद्योग नगर में, जहां पर ज्यादातर औद्योगिक इकाई है। अंदर चलकर हम ये हकीकत देखेंगे, क्या औद्योगिक इकाइयों की वो रौनक लौटी है या नहीं। तो अब हम पहुंच चुके हैं औद्योगिक इकाई के अंदर। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 4 में कई तरीके की रियायत दी है, गैर जरूरी सामान की जो फैक्ट्रियां हैं उनको भी खोल दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा कि हेल्पर चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मजदूर पलायन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भी जरूर अपने घरों तक चले गए होंगे। इसी तरीके के बोर्ड जरूर जो फैक्ट्रियां हैं उनके बाहर नजर आ रहे हैं। अब हम अंदर चलकर देखेंगे कि किस तरीके से ये फैक्ट्री में काम चल रहा है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है और जो मजदूर हैं उनके लिए भी एक खुशी की बात होगी कि फैक्ट्रियां आप खुल गई हैं, वो रोजी रोटी कमा सकेंगे, क्योंकि जो लोग पलायन कर रहे थे यहाँ से। तो अब हम उस फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक जूते बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तस्वीरों में तो काम चल रहा है, और यहाँ जिस तरीके से काम चल रहा है, जूते बनाए जा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पर्स हैं या जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या भी कम आ रही है। हालांकि सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन में वर्कर्स की क्षमता कम रखने की अभी हिदायत दी है, लेकिन ज्यादातर फैक्ट्रीज में समस्या ये आ रही है कि हेल्पर्स या तो यहाँ से जा चुके हैं या फिर उनके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है कि वो किस तरीके से फैक्ट्रियों में पहुंचे, ये भी बड़ी समस्या है। और आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है, और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी जरूर ये खुशी की बात है कि जब काम शुरू होगा तो जो उनकी रोजी रोटी है वो भी शुरू हो जाएगी, और जो समस्या उनके सामने है वो कहीं ना कहीं कम होगी। तो यहाँ फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है, और जो तादाद में संख्या होनी चाहिए वो जरूर यहाँ कम आ रही है। अब हम फैक्ट्री के जो सदस्य हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई सारी रियायत दी, गैर जरूरी सामान की जो फैक्ट्रीज है उनको भी खोलने के लिए कहा गया। बिल्कुल मैडम, हम वेलकम करते हैं। जो मुसीबत आई थी मोस्टली अभी चल रही है, पर ये सरकार ने जो रियायत दी है 20 लाख करोड़ की, उसमें ग्राउंड लेवल पे हमारे को कुछ नजर नहीं आता। जैसे मैडम, वर्कर हमारे पे 50 प्लस थे, उसमें मुश्किल से अभी 25% वर्कर आए हैं, 15-20 वर्कर आए हमारे पास काम करने के लिए। हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमारे को वर्कर को सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, फैक्ट्री का रेंट देना है, इसके लिए हमारे को कोई सुविधा दे गवर्नमेंट। जैसे बिजली के फिक्स चार्ज है, ये गुंडा टैक्स है अंग्रेजों के ज़माने पर बहुत ज़्यादा। जैसे लॉकडाउन में हमने एक यूनिट बिजली बाली नहीं, 1-1 लाख रुपया फिक्स चार्ज के नाम से हमारे से वसूला जा रहा है ये गुंडा टैक्स। हम कहते हैं कम से कम 3 महीने का यही माफ होना चाहिए। वर्कर को हम पूरी सैलरी दे रहे हैं और इनको खाना भी यही खिला रहे हैं। वर्कर्स को आपने कहा कि सैलरी भी दे रहे हैं, लेकिन क्षमता जो कम है, तो यहाँ पे जो तमाम वर्कर्स आपके आ रहे हैं उनके सामने क्या समस्या है? मैडम, समस्या उनके वर्कर ना इनके हुआ सा आ गया था। वर्कर काफी मोस्टली गाँव चले गए हैं, जब हम सबसे कॉन्टेक्ट किया अभी 20-25% वर्कर हमारे पे कॉन्टेक्ट हो गए, हमने काम दोबारा स्टार्ट कर दिया है जी। क्षमता के साथ काम शुरू कर दिया है। मैंने बाहर देखा कि एक बोर्ड भी लगा रखा है, आपने हेल्पर चाहिए। मैडम, काम करने के लिए हेल्पर तो चाहिए, पूरे वर्कर होंगे तो ही मशीने। अभी हमारे पास जैसे 20 मशीनें हैं, 2 ही चल रही हैं, 2 चलाने के लिए भी हमारे को वर्कर चाहिए, पैकिंग करने के लिए, माल डिस्पैच करने के लिए। तो हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं, कुछ फैक्ट्री वाले के भी दे, हमारे को फंड दे, रिलीज करे, बैंक का इंटरेस्ट रिलीव कर दे हमारा 3 महीने का, जैसे भी बैंक का रेंट है। और मैडम, ये कटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ जैसे हमारे 10 वर्कर थे, अब 2 ही आ रहे हैं इसमें से। ये फैक्ट्री भी, ये मशीनें देख लो, हमारे पास 10 मशीनें हैं, इसमें 2 ही चल रही है अभी तक। तो सबसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा काम चलेगा, पटरी पे आएगा हमारा कंट्री, तो हम बहुत उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी ये पटरी पे आए हमारी कंट्री और ये कोरोना से हम जीते। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिक है उनका भी कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हो, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और कोरोना यहाँ से जाए। फैक्ट्री में कई सारी मशीनें हैं, लेकिन फिलहाल 2 ही मशीनें चल रही हैं, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं कि उनको ये सामने किस तरीके की समस्याएं आ रही। आप कहाँ से आते भैया? मैं नयाल बिहार से आता हूँ। यहाँ कैसे आते हैं, आने जाने का साधन मिल जाता है? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई साधन नहीं है, पैदल आते हैं। अच्छा। तो खुश है कि फैक्ट्री खुल गई है? हाँ जी, खुश है, बहुत खुश है। आप कहाँ से आते हैं? नयाल बिहार से जी, नयाल बिहार से, पैदल आते, पैदल ही आते हैं जी। हाँ जी,
कई मजदूर तो पलायन कर गए यहाँ से जी। कई मजदूर जो काम करने वाले थे, वर्कर्स थे, वो चले गए हैं यहाँ से लोग। मैं मजबूरी मैम चले गए, मजबूरी थी चले गए लोग, बहुत गए दिल्ली से। सुल्तानपुरी से आते हैं। लग तो रहा है धीरे धीरे आ जाए तो आ जाएगी, जब काम चलेंगे खुलेंगे काम आगे से तभी आएगी पटरी। यहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका भी कहना है कि अब लग रहा है कि जो जिंदगी पटरी से उतर गई थी कहीं ना कहीं वो पटरी से वापस आएगी। तमाम वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जूते बनाने की फैक्ट्री है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कई वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। कटिंग होती है, सिलाई होती है, पेस्टिंग होती है, तमाम चीजें होती है, लेकिन 20 मशीनें होने के बावजूद भी वर्कर्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर पलायन कर चुके हैं, तो सिर्फ अभी 2 ही मशीनों पर काम चल रहा है। और जो फैक्ट्री मालिक है उनका भी यही कहना है कि उम्मीद है कि जो जिंदगी अभी पटरी से उतर गई थी, आने वाले दिनों में आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और वो जिंदगी वापस पटरी पर आएगी और कोरोना से जरूर हम जंग जो है वो जीत सकेंगे। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।